So guys, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा एक वीक का टोटल आउटफिट, लाइक फ्रॉम मंडे टू संडे का मेरा पूरा आउटफिट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो आप गर्मी के मौसम में बहुत कंफर्टेबली पहन सकते हो, क्योंकि गर्मी बहुत है, धूप बहुत है बाहर, तो हम ऐसा कपड़ा पहने जैसे बहुत कंफर्टेबल फील हो और ज्यादा गर्मी भी ना लगे। अगर आपको ये सारा ड्रेस का, मतलब जो भी मैं पहनने वाली हूँ उसका आपको लिंक चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आराम से मिल जाएगा, जो आपको हर वीडियो में मिल जाता है। तो इस वीडियो में टेंशन लेने का जात नहीं है, इस वीडियो में भी आपको मिल जाएगा, मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो मतलब मिंत्रा से ही होंगे या फिर फ्लिपकार्ट, अमेजन या फिर ऑफलाइन शॉपिंग भी हो सकता है, जिसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ, बट अगर वैसा सिमिलर कहीं मुझे दिखा तो मैं डेफिनेटली उसका भी लिंक शेयर कर दूंगी, तो आपके लिए पूरा काम हो जाएगा गाइस, डोंट वरी फॉर दैट। और गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो आई थिंक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे ड्रेसअप होने का मौका चाहिए होता है, आप ये बोल सकते हो, मुझे ड्रेसअप होने का मुझे तैयार होने का मौका चाहिए होता है, और मैं अपने आप को फटाक से तैयार कर लेती हूँ, और मुझे न्यू ड्रेस पहनना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए आज का वीडियो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके लिए भी होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट जंपिंग टू द वीडियो। तो गाइस ये मेरा पहला आउटफिट है जिसमें मैंने नॉर्मल ब्लैक कलर का जींस, बॉयफ्रेंड जींस पहना है और व्हाइट कलर का टैंक क्रॉप टॉप पहना है। तो मैंने सूट्स पहना हुआ है जो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया था अपने बर्थडे का टाइम, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगी। तो चलिए मैं आपको पूरा आउटफिट दिखाती हूँ। सेकेंड आउटफिट इज दिस, मैंने ये श्रग से अपने बालों में से बांध लिया है और मैंने ये मरून कलर का टैंक टॉप पहना है और मैंने एक फ्लेयर जीन्स जो मैंने टॉकी टॉकी से परचेज किया था फ्लिपकार्ट वाले हॉल में, आपने उसे देखा होगा वो जीन्स को, मैंने आपके साथ उसका रिव्यू शेयर किया था, तो वो जीन्स मैंने पहना है और एक नॉर्मल सा फुटवेयर पहना है जो मैंने मिंत्रा से परचेज किया था, और मैंने इसके साथ ये वाला बैग दिया है जो मुझे बर्थडे गिफ्ट में ये भी मिला था। चलिए मैं आपको पूरा आउटफिट दिखाती हूँ। थर्ड आउटफिट है ये जो मैंने पहना है, ये मैंने नॉर्मल टी शर्ट पहना हुआ है जो मैंने सरोजनी नगर से लिया था, बट का ये आपको नॉर्मल टी शर्ट फ्लिपकार्ट अमेजन कहीं पे भी मिल जाएगा, अगर मैं चेक करती हूँ, अगर मुझे लिंक मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जरूर मेंशन कर दूंगी। गाइस ये टी शर्ट बहुत कंफर्टेबल है, बहुत मतलब बहुत पतला है, आप आराम से इसे गर्मी का मौसम, बहुत गर्मी के मौसम के लिए बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है ये टी शर्ट। और एक रिप्ड जीन्स पहना हुआ है और नॉर्मल स्ट्रीट शॉपिंग से मैंने ये स्लीपर जो मुझे 200 रुपये में मिला था तो वो मैंने पहना हुआ है। तो चलिए आपको पूरा आउटफिट दिखाते हैं। जियो से मैंने एक हील परचेस किया था, वो इसके साथ पेयर अप किया है, फुटवेयर में वो है
और ये नॉर्मल चैन, ये मेरा वॉच, ये रबर बैंड। चलिए मैं आपको पूरा आउटफिट दिखाती हूँ। ये आउटफिट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये आप पार्टी वेयर के लिए भी पहन सकते हो, अगर आपको बाई चांस कहीं जाना हो तो आप उसके लिए भी पहन सकते हो, और आप इसे नॉर्मल अपने फ्रेंड लोग के साथ चिल करने के लिए भी पहन सकते हो। मतलब ये बहुत, ये आपको नॉर्मल वाइब भी देगा, पार्टी वेयर वाइब्स भी देगा, मतलब बहुत अच्छा है ये, मतलब एक तीर से दो निशान। सो मतलब आप इसके साथ कुछ भी पहन सकते हो। आई नो मैं थोड़ा बकवास भी करती हूँ, बट चलेगा, चलिए पूरा आउट करके दिखाते हैं। ग्रीनरी मेरे अंदर आ गया, मतलब गर्मी के मौसम में आप जितना हरा भरा रहोगे आप उतना फ्रेश रहोगे। चलिए आपको पूरा आउटफिट दिखाते हैं क्या है। इसमें मैंने टर्टल नेक का टॉप पहना हुआ है जो आपने मेरे मिंत्रा हॉल में देखा होगा, और इसके साथ मैंने पेयर अप किया है वन ट्राउजर जो ग्रे कलर का है, चेक चेक प्रिंट में है, और ये वॉच और नेक पीस। चलिए आपको पूरा आउटफिट दिखाते हैं। अगर ये आउटफिट को आप देखोगे तो लगेगा ऑफिस लुक, थोड़ा आपको ऑफिस का अपना याद आ जाएगा। आई नो ऑफिस सब अभी बंद है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बट अगर आप देखोगे तो आपको पक्का याद आ जाएगा। तो चलिए पूरा आउटफिट आपको दिखाते हैं। लास्ट आउटफिट विच इज माई फेवरेट आउटफिट ऑफ दिस हॉल, मतलब ये लैवेंडर कलर का टी शर्ट मैंने पहना हुआ है और एक जॉगर्स पहना हुआ है जो बहुत आपको आउटफिट ही देख के लगेगा पूरा चिल वाला, मतलब माइंड फ्रेश वैसा आउटफिट है ये। तो इसलिए मैंने इसे संडे के लिए चूज किया हुआ है, संडे को पहनना मतलब चिल, माइंड फ्रेश रहो। मंडे टू फ्राइडे तो टेंशन ही रहता है, या तो अगर आप कॉलेज में हो तो कॉलेज का टेंशन, ऑफिस में हो तो ऑफिस का टेंशन, बट संडे को हम थोड़ा रिलैक्स रहते हैं तो हमें भी रिलैक्स वाला कपड़ा पहनना चाहिए, मतलब जो पूरा चिल मारो वैसा टाइप। तो मैंने वही संडे के लिए मैंने वही सेलेक्ट किया है। तो चलिए आपके साथ किस संडे का क्लोथिंग शेयर करते हैं। मैंने पहना हुआ है जॉगर्स और ये लैवेंडर कलर का टी शर्ट जो आपको पता होगा कि मैंने कहाँ से परचेज किया है, क्योंकि मैंने इसका वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगी, यू डोंट हैव टू वरी। चलिए आपको पूरा आउटफिट दिखाते हैं और आपका भी माइंड फ्रेश करते हैं आउटफिट दिखा के। चलिए गाइस, वीडियो आई थिंक आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि मेरे लिए तो था। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मुझे न्यू ड्रेस ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों के साथ शेयर करना तो और भी अच्छा लगता है। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक इट। इफ यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, जो मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूं, और आई थिंक आप लोगों में से 20% लोग नहीं करते, पता नहीं क्यों, शायद आपको मेरा वीडियो देखना ही सिर्फ पसंद आता है, मतलब आप देख के छोड़ देते हो।
तैयार कर दो बस, क्या मतलब 2 सेकंड का काम आप लोगों से नहीं हो रहा है। So guys, that's it for today's video. I hope you like it. If you don't forget to subscribe to my channel and also hit the bell icon so you get notified when I uploaded a new video. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो बेल आइकन को प्रेस कर देना, तभी नोटिफिकेशन जाएगा, तभी आप देख पाओगे मेरे वीडियो, वरना फिर मिस होते रहेगा आपसे मेरा वीडियो। मैं वीक में दो वीडियो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, और मेरा कोशिश रहता है कि 3 या 4 वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। किसी किसी वीक में 3 वीडियो शेयर हो जाता है, बट गाइज 2 वीडियो तो फिक्स है। अगर आप मेरे उस 2 वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, इससे आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप मेरे वीडियो को मिस नहीं कर पाओगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।